नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको क्लस्टर बम यूनिट यानी कि CBU-105 के बारे में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, जो कि एक डेडली वेपन कहा जाता है और हाल ही में पोखरण रेंज में जागुआर द्वारा GBU-105 का सफल परीक्षण किया गया है। इस तरीके के बम का इस्तेमाल आखिर क्यों किया जाता है और इसे बनाने के पीछे की वजह क्या है और किस तकनीक पर ये काम करता है, इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों इसके अलावा जिस तरीके से ये बम कार्य करता है वो अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें देना होगा। दोस्तों अगर बात की जाए दुश्मन के टैंक्स को खत्म करने की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है, वो आती है एंटी टैंक मिसाइलों के बारे में। लेकिन अगर दुश्मन की तरफ से पूरी तरीके से उनकी जो टैंक की फ्लीट है वो अटैक कर दे, और ऐसे में क्या आपको लगता है कि एंटी टैंक मिसाइल्स काफी होंगी? नहीं, बल्कि हमें एंटी टैंक मिसाइलों के साथ साथ एक ऐसा बम भी चाहिए होगा जो कि इनकी फ्लीट को रोक सके, यानी कि पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट को रोक सके, और ऐसे में इस्तेमाल होता है क्लस्टर्ड बम यूनिट का। क्योंकि दोस्तों ये सबसे बेहतर बम माने जाते हैं और ये सेंसर फ्यूज्ड वेपन होते हैं। CBU-105 जिसकी बात हम आपको करने वाले हैं वो GBU-97 का उन्नत संस्करण है और ये काफी हाई लेवल का बम माना जाता है। इसमें GPS सिस्टम और गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है जो अपने लक्ष्य को पिन पॉइंट टारगेट के साथ अटैक कर सकता है। आपको बता दें कि सबसे पहले इस तरीके के बम का इस्तेमाल अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान किया था और उसने इसका इस्तेमाल रूस के टैंकों को रोकने के लिए किया था। दोस्तों आपको बता दें कि CBU नया एंटी टैंक सेंसर फ्यूज स्मार्ट बम है। यह हथियार अपने साथ 450 किलो के विस्फोटक पेलोड ले जा सकता है। CBU-105 की जो सटीकता है वो है 99.6%। इस तरीके का बम अब कई सारे देशों के पास आ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। आपको बता दें कि इस बम का वेट 427 किलोग्राम है और ओवरऑल लेंथ इसकी है 2300 mm की और डायमीटर इसका है 400 mm का। और अगर बात की जाए इसकी नंबर ऑफ सबमिशन की तो वो है 10 BLU-108। अब जानते हैं किस तरीके से काम करता है CBU-105। दुश्मन के एयर डिफेंस को खत्म करने के अलावा इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल दुश्मन के टैंकों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह हर मौसम में मल्टीपल प्लेटफॉर्म के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि जब किसी फाइटर एयरक्राफ्ट से इसे छोड़ना होता है तो इसका ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम GPS और सेंसरों का इस्तेमाल करके बम को लक्ष्य के सबसे करीबी पॉइंट पर नेविगेट करता है। जब ऑनबोर्ड सेंसर इस बात को निर्धारित कर देता है कि बम वे पॉइंट पर पहुंच गया है, तब एक दरवाजा खोला जाता है और ये बम अपने अंदर फिट किए गए 10 छोटे छोटे BLU-108 सबमिशन को छोड़ता है। इस बम में फिट छोटे छोटे सबमिशन एक निश्चित ऊंचाई से छोड़े जाते हैं और ये सारे सबमिशन एक पैराशूट से जुड़े होते हैं जिससे इनकी रफ्तार को नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद इसके अंदर फिट किए गए BLU-108 सबमिशन का आकार सिलेंड्रिकल होता है और पैराशूट के जरिए ये सीधे वर्टिकली अपने लक्ष्य की तरफ आगे आने लगते हैं। थोड़ी सी स्पीड इसके स्थिर होने पर ये पैराशूट इस बम से मुक्त हो जाते हैं और अलग होने के साथ ही इसमें लगे रॉकेट्स भी फायर करने लगते हैं। ये रॉकेट इन एम्यूनेशन का एंगुलर थ्रस्ट यानी कि उन्हें गति प्रदान करते हैं ताकि ये फिर से अधिक तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सके। जब ये सबमिशन तेज गति से घूमने शुरू होते हैं तो 4 हॉकी पक्स के आकार के सेंसर फ्यूज प्रोजेक्टाइल, जिन्हें स्किट भी कहा जाता है, वे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की ओर प्रोपेल्ड होने लगते हैं और प्रत्येक स्किट पर इंफ्रारेड सेंसर्स लगे रहते हैं जो लक्ष्य को लॉक करते हैं और सटीक विस्फोट करते हैं। ये स्किट्स कॉपर से बने एक्सप्लोजिव को फायर करते हैं जिससे ये पेनिट्रेटर बनते हैं और ये पेनिट्रेटर टैंक के ऊपर के हिस्सों को प्रभावित करते हैं। साथ ही ये एक शार्प रिंग भी रिलीज करते हैं जिससे कि ये टारगेट के आसपास की चीजों को भी बर्बाद कर देता है। दोस्तों अगर किसी कारण से ये स्किट टारगेट को नहीं ढूंढ पाते तो ये जमीन से 50 फीट ऊपर ही अपने आप को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देते हैं और यदि ये अपने आप को खत्म करने वाली प्रणाली जो इनमें लगी रहती है वो उनकी फेल हो जाती है तो इसमें लगे हुए बैकअप टाइमर इन स्किट्स को डिसेबल कर देते हैं और यही खासियत इस CBU को दूसरे क्लस्टर बम से यूनिक और अलग बनाती है। ये दुश्मन की पूरी टैंक रेजिमेंट को रोकने में सक्षम है। आपको बता दें कि अमेरिका ने इसका इस्तेमाल अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए इराक में किया था और ये काफी सफल भी रहा। अमेरिका ने भारत को 2010 में 512 ऐसे ही CBU-105 सेंसर फ्यूज वेपन बेचने की बात कही थी। हालांकि इस बात का पता नहीं है कि भारत के पास कितनी मात्रा में इस तरीके के CBU-105 आ चुके हैं।
आपको बता दें कि इस हथियार का सबसे बड़ा सौदा सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ किया। उसने करीबन 1300 इस तरीके के बमों का सौदा किया था। तो दोस्तों ये है जीबीयू क्लस्टर बम के बारे में एक विशेष जानकारी। दोस्तों इस तरीके के बम्स को हम अपने देश में भी विकसित कर सकते हैं और हमें इस तरीके की तकनीक को समझना भी होगा ताकि डीआरडीओ इस तरीके की तकनीक पर काम करके अपने स्वदेशी रूप से इस तरीके के एंटी टैंक हथियारों को विकसित कर सके। बहरहाल दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।